दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टीम की कप्तानी से बर्खास्त किए गए शिखर धवन ने बोले बड़े बोल, केएल राहुल को लेकर कह दी ये बड़ी बात। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप भी है भारतीय टीम के फैंस तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और जिम्बाब्वे के बीच कल से यानी 18 अगस्त से पहला वनडे मुकाबला शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक खबर जो निकल कर आ रही है उससे सभी कोई अचंभित है कि शिखर धवन को कप्तानी से हटाकर लोकेश राहुल को कप्तानी देना। दोस्तों, भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर पहुंच गई। भारतीय टीम को 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही 2 बदलाव हो गए। शिखर धवन की जगह केएल राहुल को टीम का कप्तान बना दिया गया है और टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर चोट के चलते टीम से बाहर हो गए। उनकी जगह टीम में शहबाज अहमद को शामिल किया गया है। टीम के बदले कप्तान को लेकर शिखर धवन ने बड़ा बयान दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं शिखर धवन ने लोकेश राहुल के बारे में क्या कहा है। शिखर धवन ने टीम में मौजूद युवा खिलाड़ियों के बारे में बात करते हुए कहा, मुझे टीम में युवाओं के साथ अपना अनुभव साझा करने में काफी मजा आता है। मैं पहली बार यहाँ 2014-2013 में आया था जब डंकन फ्लोचर भारतीय कोच थे। अगर हमारे भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी किसी भी सुझाव के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं हमेशा उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने आगे केएल राहुल की टीम में वापसी को लेकर बात करते हुए कहा, यह एक बहुत अच्छी खबर है कि केएल राहुल वापस आ गया है और टीम की अगुवाई भी करेगा। वह इस वक्त भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ियों में से एक है। एशिया कप शुरू होने से पहले यह उसके लिए एक अच्छी तैयारी होगी। मुझे यकीन है कि उसे इस दौरे से काफी फायदा होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लोकेश राहुल के कप्तान बनने से शिखर धवन भी काफी खुश हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है कि उन्हें टीम की कप्तानी करने से हटा दिया गया है। तो दोस्तों, शिखर धवन के इस महानता के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, टीम के स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर अपनी चोट के चलते बाहर हो गए हैं। धवन ने सुंदर के बारे में बात करते हुए कहा, यह दुखद है कि वाशिंगटन सुंदर बाहर हो गया है। वह टीम के लिए काफी अहम खिलाड़ी है लेकिन यह करियर का हिस्सा है, चोट लगती रहेगी। उम्मीद है वह जल्दी ठीक हो जाएगा। एक स्पिनर के रूप में उनकी कमी काफी खलेगी लेकिन टीम में कुलदीप यादव और दीपक हुड्डा के रूप में विकल्प हैं। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, जिम्बाब्वे की टीम बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल की है, वे अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, यह हमारे लिए अच्छा है और हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते। वहीं दोस्तों, आपको यह खबर ही बता दे कि जब शिखर धवन से यह पूछा गया कि जिम्बाब्वे का वह कौन सा खिलाड़ी है जिससे भारतीय टीम को सबसे ज्यादा खतरा है, तो इस सवाल का जवाब देते हुए धवन ने आगे जिम्बाब्वे स्टार बल्लेबाज सिकंदर रजा के बारे में बात करते हुए कहा, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वह लंबे समय से जिम्बाब्वे के लिए खेल रहा है। मुझे यकीन है कि हमारे गेंदबाज उसके खिलाफ बेहतर योजना के साथ मैदान पर उतरेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम लोकेश राहुल कप्तानी में जिम्बाब्वे दौरा जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ, अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं और टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।